खबर गुना से, जहां नगरपालिका स्थित आधार पंजीयन केंद्र पर इंटरनेट नहीं चलने से वहां पहुंच रहे नागरिकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आधार में सुधार करवाने व नया आधार बनवाने के लिए जब भी इस केंद्र पर जाओ तो इंटरनेट नहीं चलने से घंटों बैठकर महिला और पुरुषों को इंतजार करना पड़ता है। इस संबंध में जब आधार पंजीयन केंद्र नगरपालिका में बैठे हुए कंप्यूटर ऑपरेटर मोनू पवैया से बात की तो उन्होंने बताया कि मैंने इंटरनेट की समस्या के संबंध में जिला ई गवर्नेंस अधिकारी गौतम श्रीवास्तव को बताया था, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जब इस संबंध में हमारे मीडियाकर्मी के द्वारा ई गवर्नेंस अधिकारी गौतम श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वहां जो नेट की समस्या हो रही है उसका समाधान जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। साथ ही आधार पंजीयन केंद्रों पर नेट सही ढंग से चले इसकी जवाबदारी भी हमारी ही होती है। गुना से सोनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पालिका में आधार पंजीयन केंद्र से यहाँ पर नेट की समस्या को लेकर कुछ परेशानी खड़ी हो रही है, तो क्या कहना है? समस्या आएगी जनवरी से लेकर मार्च तक तो बिना नेट के बन गए थे। दो तीन दिन से क्या है 150 भजन आया है, वजह से नेट नहीं चल रहा। उसके बिना कार्ड नहीं बन रहे, जल्दी परेशान रहेंगी। हर दो कार्ड बनाने का कलेक्टर ऑफिस में जाना पड़ता डाटा भेजने के लिए या फिर तहसील वगैरह में। इसका जिम्मेदार किसे मानते हो? नेट नहीं चल रहा, इसकी जवाबदारी कौन की है कि यहाँ पर नेट लगवाया जाए? सर इसकी जिम्मेदारी तो टेक्निकल है या फिर मतलब गौतम सर है। अच्छा, जिम्मेदारी है तो तुमने उनको नहीं बताया कि यहाँ पर नेट जो रोज कम से कम 50-100 जनता परेशान हो रही है यहाँ पर? तीन चार बार बता चुके हैं तो टेक्निकल उनको 5-6 मिनट को बता दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो कहते हैं गौतम सर से मिलो, तो गौतम सर से अभी तक मिले नहीं। क्या आपने पैसा वगैरह यहाँ का पूरा जमा कर दिया वहाँ पर? हाँ, जो भी पैसा आया वो दे दिया है, यानी 25,000 रुपये तो डी जमा कर दी है और सामान वामान लेने में 50,000 रुपये 85,000 रुपये हमारे खर्च हो गए हैं। और इसके अलावा सरकार जो पैसा है वो भी जमा करते रहते हैं, 8 दिन में 4 दिन में 5 दिन में ऐसे जमा करते रहते हैं। सरकार जो पैसा रहता है पर डे का लाइट का नेट भी पैसा रहता है। तो इसका जिम्मेदार की जनता परेशान ही रही, आप किसको मानते हो? इसकी जिम्मेदार मतलब जो आधार जो भी संचालक हैं वो जो चलाते हैं, जो सरकार द्वारा चलाया जाता है वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने नेट की व्यवस्था नहीं की अभी तक। क्या नाम है तुम्हारा? मोनू पवैया। बताएं, ये नगर पालिका में आधार से संबंधित लोग परेशान हो रहे हैं। आधार वाले लड़के ने नंबर दिया था गौतम जी का, उनने कहा कि आपसे बात की जाए। वहाँ पे जो नेटवर्क की समस्या हुई है उसको हम शीघ्र ही निपटा रहे हैं, इससे फिर वहाँ पे सही तरीके से आधार कार्ड बनने लगेंगे। अभी जो नेट की समस्या की वजह से समस्या हो रही है तो उसको हम जल्दी से जल्दी इस पर निराकरण करवाएंगे। ये किसका दायित्व रहता है नेट लगवाने का? नेट लगवाने का हमारा ही रहता है सर।